लेट्स डू क्वेश्चन नंबर इलेवंथ ऑफ एक्सरसाइज टू सी दैट इज फैक्टर्स इन मल्टीपल्स क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज गिव द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हमें फिर से प्राइम फैक्ट्राइजेशन करना है और इलेवेंथ क्वेश्चन में देखा है वन टू टू फोर इलेवेंथ क्वेश्चन है हमारा वन टू टू फोर चलिए प्राइम फैक्ट्राइजेशन करते हैं वन टू टू फोर का देखिए अभी अभी में फर्स्ट से लेकर टेंथ तक वन और टू टू और थ्री डिजिट्स के दे रखे थे और एलेवेंथ क्वेश्चन से फोर डिजिट के हो गए बड़े होने लगे हैं तो इसके लिए आपको माइंड में उसको डायरेक्टली डिवाइड करने की आदत डालनी पड़ेगी अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है फ़ोर है तो हमारा ये टू से डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है तो देखिए टू सिक्स ज़ा टूवल्व टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर फिर से यूनिट डिजिट टू है तो टू से डिवाइड हो जाएगा टू थ्री ज़ा सिक्स टू ज़ीरो ज़ा जीरो टू सिक्स ज़ा टूवेल्व अब मैं डायरेक्टली डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको कैसे किया देखिए सिक्स वन टू को जहाँ मुझे लगेगा मैं वहाँ डिवाइड करके आपको दिखा दूंगी टू थ्री सिक्स वन उतारा टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस करने के बाद वन बचा टू उतार लिया अब टू सिक्स ज टल्व राइट right, तो ये आ गया थ्री जीरो सिक्स क्वेश्चन लिखते थे यहाँ पे अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट सिक्स है तो फिर से टू से जाएगा तो टू वन जो टू थ्री में से टू गया वन बचा वन और ज़ीरो टेन हो गया टू फाइव ज़र टेन एंड टू थ्री ज़ा सिक्स अब इसकी यूनिट डिजिट थ्री है तो दैट मीन्स ये टू से डिवाइड नहीं होने का है तो थ्री से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम इन तीनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो ये आ गया नाइन और नाइन थ्री से डिवाइड होता है तो हमारा दैट मीन्स ये थ्री से डिवाइड होगा थ्री फाइव ज फिफ्टीन थ्री वन ज थ्री अब इसको हम ऐड करते हैं तो ये सिक्स है सिक्स थ्री से ही डिवाइड होता है थ्री से डिवाइड होता है लेकिन टू के लिए हमें इसकी यूनिट डिजिट देखनी थी तो यूनिट डिजिट वन थी तो इसलिए टू से डिवाइड नहीं हुआ थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री वन जो थ्री फाइव में से थ्री गया टू ट्वेंटी वन फाइव सेवन ट्वेंटी वन सॉरी थ्री सेवन ट्वेंटी वन तो ये आ गया सेवनटीन वन आर सेवनटीन तो इसको क्या लिख सकते हैं वन टू टू फोर को हम लिख सकते हैं टू की पावर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है तीन बार तो टू की पावर थ्री हो गई इन टू थ्री की पावर टू हो गई इन टू सेवनटीन द आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इज वन थ्री टू थ्री ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं वन थ्री टू थ्री प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अब इसकी यूनिट डिजिट थ्री है तो दैट मीन्स ये टू से तो जाएगा नहीं आपस में ऐड करके देखते हैं कि थ्री से जाता है कि नहीं टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस थ्री एट प्लस वन इज नाइन तो नाइन थ्री से डिवाइड है तो थ्री से जाएगा फोर इज ट्वेल्व थर्टीन में से ट्वेल्व गया वन बचा वन और टू ट्वेल्व थ्री फोर जो ट्वेल्व एंड थ्री वन जो थ्री अब फिर से देखते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट वन है टू से नहीं जाएगा तो आपस में ऐड करके देखा तो ये नाइन है फोर प्लस फोर एट प्लस वन इज नाइन तो वो थ्री से जाता है तो दैट मीन्स ये थ्री से जाएगा थ्री वन ज थ्री फोरटीन हो गया थ्री फोर जो ट्वेल्व ट्वेंटी फोर्टीन में से ट्वेल्व गया टू बचा ट्वेंटी वन हो गया थ्री सेवन जॉ ट्वेंटी वन आप फिर से देखते हैं थ्री से जाएगा कि नहीं आएगा सेवन प्लस फोर इज 11, 11 प्लस वन इज ट्वेल्व येस थ्री से चला जाएगा क्योंकि थ्री के टेबल में ट्वेल्व भी आता है तो थ्री से गया थ्री फोर जॉ ट्वेल्व फोर्टीन में से ट्वेल्व गया टू बचा ट्वेंटी सेवन नाइन जॉ ट्वेंटी सेवन अब ये हमें पता है ये सेवन के टेबल में आता है सेवन सेवन फोर्टी नाइन तो और ये सेवन इट्स अपने टेबल में आता है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं वन थ्री टू थ्री को क्या लिख सकते हैं थ्री तीन बार डिवाइड कर रहा है तो थ्री की पावर थ्री इंटू सेवन दो बार डिवाइड कर रहा है तो सेवन की पावर टू लेट्स दू थर्टींथ क्वेश्चन थर्टींथ क्वेश्चन है एट सेवन वन टू एट सेवन वन टू तो चलिए एट सेवन वन टू के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यूनिट डिजिट हमारी टू है तो हम टू से डिवाइड कर सकते हैं टू फोर ज एट टू थ्री जिक्स सेवन में से सिक्स गया वन बचा वन और वन 11 हो गया 11, टू फाइव ज़ा टेन वन बचा वन और टू ट्वेल्व हो गया टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व अगेन यूनिट डिजिट सिक्स है तो टू से चला जाएगा टू टू ज फोर टू वन ज टू थ्री में से टू गया वन बचा फिफ्टीन हो गया टू सेवन ज फोर्टीन फिफ्टीन में से 14 गया वन बचा सिक्स उतारा सिक्सटीन हो गया टू एट ज, सिक्सटीन अगेन यूनिट डिजिट एट है तो टू से जाएगा टू वन ज टू जीरो बचा टू जीरो जो जीरो वन में से जीरो गया वन सेवनटीन हो गया टू एट जिक्सटीन सेवनटीन में से सिक्सटीन गया वन बचा वन और एट एटीन टू नाइन ज एटीन अब इसकी यूनिट डिजिट नाइन है तो टू से तो नहीं जा सकता तो थ्री से डिविजिलिटी टेस्ट करते हैं नाइन प्लस एट इज सेवेंटीन प्लस वन इज एटीन तो 18 थ्री के टेबल में आता है तो दैट मीन्स ये थ्री से डिवाइड होगा थ्री से डिवाइड किया थ्री थ्री इज नाइन टेन में से नाइन गया वन बचा एटीन थ्री सिक्स ज एटीन एंड थ्री थ्री अ नाइन अगेन इसकी देखें ऐड करके तो ये कितना आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है थ्री प्लस सिक्स इज़ नाइन नाइन प्लस थ्री इज़ ट्वेल्व ट्वेल्व हमारा थ्री के टेबल में आता है तो थ्री से जाएगा थ्री वन 3 थ्री थ्री टू 6 एंड वन अब ये किससे जाएगा देखिए 121 ये किससे जाएगा अब आप ये फोर से नहीं जा सकता फाइव से नहीं जा सकता सिक्स से नहीं जा सकता सेवन से नहीं जा सकता अगर आपको डिविजिबिलिटी याद है एट से नहीं जा सकता एट में लास्ट की थ्री डिजिट डिवाइड करके देखते थे एट से नाइन से नहीं जा सकता क्योंकि अगर हम इसको सम करें तो सम तीनों का सम क्या रहा है फोर आ रहा है और फोर नाइन से डिवाइड नहीं होता है टेन से नहीं जा सकता क्योंकि इसकी यूनिट डिज़िट ज़ीरो होनी चाहिए 11 से 11 से क्या कहता है वो सम हमारा ऑड डिज़िट का और इवेंट डिजिट का सम करके डिफरेंस करें ज़ीरो आना चाहिए या इलेवन से डिवाइड होना चाहिए तो अगर हमने इसकी ऑड डिज़िट देखी तो वन वन है दोनों तो वन प्लस वन कितना हो गया टू आ गया और इवन डिजिट पे भी टू है दोनों को माइनस किया तो जीरो ही आ रहा है तो जीरो या इलेवन आना चाहिए था तो इलेवन से जाएगा इलेवन वन झा इलेवन ट्वेल्व में से इलेवन गया वन बचा इलेवन वन झा इलेवन अब फिर से इलेवन आ गया तो ये इलेवन से ही जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं हम एट सेवन वन टू को लिख सकते हैं टू कितनी बार डिवाइड किया है थ्री टाइम्स डिवाइड किया तो टू की पावर थ्री इन टू अब थ्री टू टाइम्स डिवाइड किया है तो थ्री की पावर टू इंटू इलेवन हमारा टू टाइम्स डिवाइड किया है तो इलेवन की पावर टू इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीनथ है नाइन थ्री वन सेवन फोर्टीन लिख लिया हमने नाइन थ्री वन सेवन इसका प्राइम फैक्ट्राइ फैक्टराइजेशन करते हैं नाइन थ्री वन सेवन का अब ये हमें देखते ही पता चल गया कि टू से डिवाइड नहीं होगा थ्री से डिवाइड करने के लिए हमने ऐड किया तो सेवन प्लस वन इज एट एट प्लस थ्री इज इलेवन, इलेवन प्लस नाइन इज ट्वेंटी तो ये थ्री से भी डिवाइड नहीं होगा फोर से भी डिवाइड नहीं होगा फाइव से देखें तो फाइव यहाँ जीरो और फाइव नहीं आ रहा तो फाइव से भी डिवाइड नहीं होगा सिक्स के लिए टू और थ्री दोनों से होना चाहिए तो भी नहीं होगा सेवन से डिवाइड करने के लिए इसका टू आइस करेंगे सेवन का तो ये आया फोर्टीन और नाइन थर्टी वन में से हम फोरटीन माइनस कर देंगे तो वो आया इलेवन में से सेवन इलेवन में से फोर गया सेवन टू में से वन गया वन एंड नाइन अब ये हमारा सेवन से डिवाइड होता है कि नहीं होता है ये देखना है हमें सेवन से डिवाइड किया सेवन वन सावन टू बचा ट्वेंटी वन सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन सेवन उतार लिया सेवन वन are सेवन तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर सेवन से डिवाइड हो जाएगा तो हमने इसे डिवाइड किया सेवन वन are सेवन ट्वेंटी थ्री हो गया सेवन थ्री are ट्वेंटी वन अगेन ट्वेंटी थ्री में से ट्वेंटी वन गया टू बचा ट्वेंटी वन सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन एंड सेवन वन जैवन अब इसकी फिर तो से देखते हैं सेवन से होगा कि नहीं होगा जा वन कर वन कि की मल्टीप्लाई की टू में तो यह ये तो ये आया टू तो वन थर्टी थ्री में से टू माइनस किया तो यह आया वन थर्टी वन और वन थर्टी वन सेवन से डिवाइड करके देखा तो सेवन वन ज सेवन एट सिक्सटी वन बचा तो सिक्सटी वन सेवन से डिवाइड नहीं होता दैट मीन्स ये नंबर वन सेवन से डिवाइड नहीं होगा अब नाइन की डिविज़िबिलिटी के लिए आप ऐड करें और उसको ज़ीरो और नाइन से आए तो ही ये होगा तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ रहा है एट एट डिवाइड नहीं होगा नाइन से टेन की डिविज़िबिलिटी के लिए जीरो आना चाहिए तो टेन से भी डिवाइड नहीं होगा अब 11 से देखते हैं इलेवन के लिए इसकी ऑर्ड प्लेसेस और इवन प्लेसेस ऐड कर लीजिए ऑर्ड प्लेसेस आई हमारी वन प्लस थ्री फोर और इवन प्लेसेस आई ओ और ई e है और इवेन थ्री प्लस वन ये भी फोर आई माइनस किया तो जीरो आ रहा है तो दैट मींस इलेवन से डिवाइड होगा इलेवन वन जलेवन अब थर्टीन में से इलेवन गया ट्वेंटी थ्री बचा इलेवन टू ज ट्वेंटी टू वन बचा वन उतार लिया वन हो गया इलेवन वन जा इलेवन अब देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे हमने वन ट्वेंटी वन का को 11 से ही डिवाइड किया था तो दैट मींस ये 11 से ही होगा 11 जा अगेन 11 वन जा तो 937 317 को क्या लिख सकते हैं सेवन की पावर वन क्योंकि सेवन ने एक बार डिवाइड किया है और इलेवन की पावर थ्री क्योंकि उसने इलेवन ने थ्री टाइम्स डिवाइड किया है इसका आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कह रहा है वन ज़ीरो थ्री फाइव टीन्थ हम लिख लेते हैं वन ज़ीरो थ्री फाइव अब हम देखिए इसमें और डायरेक्टली करेंगे पहले से अब या तो ये थ्री से जाएगा या फाइव से जाएगा अगर हम थ्री से देखें तो फाइव प्लस थ्री इज एट एट प्लस वन इज नाइन हाँ ये थ्री से जा रहा है तो हम थ्री से डिवाइड कर देंगे थ्री थ्री इज ऑर नाइन नाइन गया टेन में से वन बचा वन और थ्री थर्टीन थ्री फोर इज़ ट्वेल्व 15 हो गया एंड थ्री फाइव ज़ा फिफ़्टीन अब इसको फिर से देखेंगे 5 प्लस फोर इज़ 9. नाइन प्लस थ्री इज़ 12. 12 थ्री के टेबल में जाता है तो हम फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे 3 वन जो थ्री थ्री वन ज थ्री थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अब फिर से देखें ये आ रहा है सेवन सेवन थ्री के टेबल से डिवाइड नहीं होता है अब इसका मतलब ये सीधा फाइव से डिवाइड होगा तो फाइव से देखा फाइव टू ज टेन एंड फाइव थ्री जो फिफ्टीन अब ट्वेंटी थ्री प्राइम नंबर है तो सीधा ट्वेंटी थ्री से डिवाइड होगा तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं थ्री की पावर टू इंटू फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में कह रहा है वन वन नाइन सेवन कर लेते हैं 16th वन वन नाइन सेवन चलिए वन वन नाइन सेवन के प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या ये थ्री से जाता है कि नहीं सेवन प्लस नाइन इज सिक्सटीन प्लस वन इज ए सेवेंटीन एंड एटीन तो इसका मतलब थ्री से जाएगा क्योंकि एटीन थ्री के टेबल में आता है तो थ्री थ्री इज अन टेन इलेवन ट्वेंटी नाइन हो गया थ्री नाइनजर ट्वेंटी सेवन अगेन टू बचा ट्वेंटी सेवन थ्री नाइनज़ आर ट्वेंटी सेवन अब नाइन प्लस नाइन इज एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन भी थ्री से डिवाइड होता है तो दैट मीन्स ये थ्री से जाएगा थ्री वन ज थ्री 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 इज नाइन थ्री थ्री इज नाइन अब कितना आया है ये अब आप देखेंगे थ्री थ्री इज़ थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस वन इज सेवन सेवन तो डिवाइड नहीं होगा थ्री से तो इसका मतलब अब सीधा हम क्योंकि सारी डिविजिबिलिटी नहीं हो पाएंगी अब सीधा देखें तो ये सेवन से जाएगा अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल ढंग से याद किया हुआ होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अब ये सेवन से जाना चाहिए या तो आप देखते हैं सेवन से जाता है कि नहीं जाता है सेवन की डिविजिबिलिटी थी थ्री का स्क्वायर करो और थर्टीन में से माइनस करो तो थ्री का स्क्वायर थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे टू से सिक्स आया और उसको थर्टीन में से माइनस किया तो ये आया सेवन तो सेवन डिवाइड हो जाएगा सेवन से तो दैट मीन्स ये सेवन से जाएगा सेवन वन जा सेवन सिक्स बचा सिक्सटी थ्री सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री अब ये कितना हो गया नाइनटीन वन जा तो वन वन नाइन सेवन क्या लिख सकते हैं थ्री की पावर टू इंटू सेवन इंटू नाइनटीन इज द आंसर लेट्स यू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कह रहा है फोर सिक्स फोर वन फोर सिक्स फोर वन अब ये टू से तो जाएगा नहीं थ्री से देखते हैं कि जाएगा कि नहीं जाएगा फोर प्लस सिक्स इज़ टेन टेन प्लस फोर इज़ फोरटीन प्लस वन इज़ फिफ्टीन हाँ जाएगा तो हमने इसको थ्री से डिवाइड किया थ्री वन ज थ्री सिक्सटीन हो गया थ्री फाइव जो फिफ्टीन फोर्टीन हो गया थ्री फोर जो ट्वेल्व ट्वेंटी वन हो गया थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन अगेन देखते हैं थ्री से जाएगा कि नहीं जाएगा फ़ाइव प्लस वन इज़ सिक्स सिक्स प्लस फोर इज टेन टेन प्लस सेवन इज सेवनटीन नहीं जाएगा अब सीधा हम किससे देखेंगे सेवन से देखेंगे कि सेवन से जाएगा कि नहीं जाएगा सेवन का स्क्वायर हुआ सेवन को टू से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ फोर्टीन तो वन फिफ्टी फोर में से फोर्टीन माइनस किया तो ये आया ज़ीरो फोर एंड वन तो ये सेवन से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स ये सेवन से जाएगा सेवन टू ज फोटीन वन बचा अगेन फोर्टीन हो गया सेवन टू ज़ा फोर्टीन एंड सेवन वन ज़ा सेवन अब देखेंगे ये थ्री से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका टोटल फाइव आ रहा है अब सेवन से देखते हैं वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आया ट्वेंटी टू में से टू माइनस किया तो ये तो ट्वेंटी आ रहा है तो ये टू सेवन से डिवाइड नहीं होगा अब अब ये देखिए ये टू ट्वेंटी वन है तो अब इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये सेवन से तो डिवाइड नहीं हो रहा है इलेवन से अगर देखेंगे तो इलेवन से भी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि अगर और प्लेसेज ऐड करें थ्री उसमें से इवन प्लेस माइनस करें टू तो ये वन बच रहा है तो अब कैसे पता लगाएंगे देखिए या तो ये थर्टीन से जाएगा सेवनटीन से जाएगा नाइनटीन से जाएगा क्यों क्योंकि अगर थ्री के टेबल में देखें थ्री के टेबल में ट्वेंटी वन आता है थ्री सेवनज़ा ट्वेंटी वन तो उसकी यूनिट डिजिट वन आती है और सेवन के टेबल में सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन आता है और नाइन के टेबल में नाइन नाइन ज़ा एट्टी वन आती है हमने वो नंबर्स निकाले जिसकी यूनिट डिजिट वन है तो हम सबसे पहले इसको थर्टीन से डिवाइड करके देखेंगे कि ये थर्टीन से डिवाइड होता है कि नहीं होता है उसकी कोई डिविज़िबिलिटी आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए मैं उसकी डिविजिबिलिटी नहीं कहूँगी इसको आप डायरेक्टली डिवाइड करके देखें 221 को 13 से 13 वनजा 13 तो ये कितना आ गया माइनस करके 12 में से 3 किया 9 और ये वन उतार लिया एंड 13 7 91 देखिए सीधा-सीधा जा रहा है तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 17 सा और 17 वनजा आप ये चीज जरूर नोट करिएगा कि जब भी आप कभी फंस जाएँ कि वो डिविजिबिलिटी से किसी से नहीं हो रहा तो उसकी यूनिट डिजिट देखिएगा कौन से टेबल में आती है तो उसी अकॉर्डिंगली आप जैसे थ्री के टेबल में आती थी तो मैंने थर्टीन कर दिया थर्टीन करके देखते हैं थर्टीन से डिवाइड होती है कि नहीं होती है सेवनटीन से या नाइनटीन से फिर हम देखते हैं, तो अब इसकी इसको क्या लिख सकते हैं फोर सिक्स फोर वन को फोर सिक्स फोर वन को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू सेवन इंटू थर्टीन इंटू सेवेंटीन इस द आंसर क्योंकि सबकी पावर वन ही रहेगी क्योंकि एक एक बार ही डिवाइड हुआ है लेट्स डू क्वेश्चन नंबर एटीन नाउ एटीन कह रहा है फोर थ्री थ्री फाइव फोर थ्री थ्री फाइव चलिए डिवाइड करते हैं फोर थ्री थ्री फाइव को अब थ्री से देखते हैं थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं होता है थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं होता है फोर प्लस थ्री इज सेवन सेवन प्लस थ्री इज टेन टेन प्लस फाइव इज़ फिफ्टीन हाँ फिफ्टीन थ्री से डिवाइड होता है तो थ्री से डिवाइड हो जाएगा थ्री वन ज थ्री फोर में से थ्री गया वन थर्टीन थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व अगेन वन बचा थर्टीन हो गया थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व वन बचा फिफ्टीन हो गया थ्री फाइव ज फिफ्टीन अब थ्री से देखते हैं अगेन जाता है कि नहीं जाता है फाइव प्लस फोर इज़ नाइन नाइन प्लस फोर इज थर्टीन एंड प्लस वन इज़ फोर्टीन तो ये नाइन से नहीं जाएगा अब आप देख रहे हैं इसकी यूनिट डिजिट फाइव है तो इसका मतलब फाइव से जाएगा तो फाइव टू ज टेन फोर्टी फोर फाइव एट ज फोर्टी फाइव नाइन ज फोर्टी फाइव डायरेक्टली कर रही हूँ इतने सारे क्वेश्चन के बाद आप भी करना सीख गए होंगे अब देखिए नाइन प्लस एट इज सेवनटीन सेवनटीन प्लस टू इज नाइनटीन नाइनटीन नहीं जाएगा थ्री से तो ये किससे जाएगा सेवन देखते हैं नाइन है सेवन की डिविजिबिलिटी क्या होती है नाइन से मल्टीप्लाई किया टू को ट्वेंटी एट में से एटीन गया नाइन को मल्टीप्लाई करके टू इसलिए एटीन आ गया ये यहाँ लिख देती हूँ नाइन मल्टीप्लाई टू एटीन आ गया और ये कितना आ गया टेन टेन तो सेवन से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये सेवन से भी नहीं जाएगा आप टेन की डिविजिबिलिटी के लिए ज़ीरो होना चाहिए नाइन की डिविज़िबिलिटी अगर देखें तो ये नाइन्टीन आ रहा है तो नाइन से भी नहीं जाएगा अब एलेवन से देखें इलेवन की डिविजिबिलिटी के लिए हम ऑड और इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए या इलेवन का मल्टीपल होना चाहिए तो देखिए अगर ऑड प्लेसेस ऐड करते हैं तो एलेवन आ रहा है इलेवन में से एट माइनस करते हैं इवन प्लेस उसकी तो कितना आ रहा है थ्री आ रहा है तो थ्री तो इलेवन से डिवाइड नहीं होगा अब हम फिर वही क्राइटेरिया पे फंस गए जैसे जहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन में टू ट्वेंटी वन को डिवाइड करने के लिए देख रहे थे अब आप इसको देखेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट नाइन है राइट तो इसका मतलब नाइन किस किस टेबल में आता है थ्री के टेबल में आता है सेवन के टेबल में आता है या नाइन के टेबल में आता है तो इसका मतलब या तो ये थर्टीन से जाएगा या ये सेवनटीन या ये नाइनटीन से लेट्स सी 289 को हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 13 टू ज ट्वेंटी सिक्स ये नहीं जा सकता 13 से इसका मतलब अब 17 से डिवाइड करके देखते हैं 289 को 17 से 17 वन जॉ सेवनटीन तो ये कितना बचा 119 वन नाइन सेवनटीन सेवनटीन सेवन जॉ वन तो ये पूरा जा रहा है तो दैट मीन्स 17 इंटू सेवेंटीन इज टू नाइन अब फिर से सेवनटीन से जाएगा 17 वन सा सेवनटीन तो हम फोर थ्री थ्री फाइव को क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन की पावर टू इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज टू नाइन जीरो सेवन नाइनटीन लिख सकते हैं टू नाइन ज़ीरो सेवन चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अब थ्री से डिविजिबिलिटी के लिए सेवन प्लस नाइन इज सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू इज एटीन थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो हमने थ्री से डिवाइड कर दिया थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री सिक्स जटीन ट्वेंटी सेवन थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन अब फिर से ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि थ्री नाइन प्लस नाइन इज एटीन एटीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर थ्री से डिवाइड होता है तो थ्री थ्री इज 9, 3 थ्री टू इज अ सिक्स एंड थ्री थ्री इज अब ये देखिए फिर से ऐड करके थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस टू इज एट एट तो थ्री से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये थ्री से अब डिवाइड नहीं होगा अब सीधा हम किस पे चले जाते हैं सेवन से पे क्योंकि सिक्स के लिए टू और थ्री दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो अब हम सेवन पे गए तो सेवन से ये देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं होता है थ्री को मल्टीप्लाई बाय टू किया तो ये आया सिक्स और थर्टी टू में से माइनस किया सिक्स तो ये कितना आया ट्वेल्व में से सिक्स एंड टू तो दैट मीन्स ट्वेंटी सिक्स सेवन से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी सेवन से डिवाइड नहीं होगा अब सीधा हम 11 पे चले गए एलेवन क्योंकि नाइन की डिविजिबिलिटी के लिए भी ऐड करके वो नंबर नाइन से डिवाइड होना चाहिए था तो ये नाइन से कम आ रहा था एट इसलिए हम नाइन नहीं देखेंगे अब सीधा 11 पे गए तो इलेवन से क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया इसकी और प्लेसेस ऐड की तो ये आ गई थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स में से टू माइनस किया तो फोर आ रहा था तो वो डिवाइड नहीं होगा अब इसकी यूनिट डिजिट थ्री आ रही है तो हमारा थ्री कौन कौन सी डिजिट में आता है या तो थर्टीन में आता है या सेवेंटीन में आता है क्योंकि सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री होता है थ्री थ्री खुद के टेबल में आता है या फिर नाइन के टेबल में आता है राइट तो अब इसको तीनों से डिवाइड करके देखेंगे थ्री टू थ्री को हमने थर्टीन से डिवाइड किया थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स तो ये कितना आ गया ट्वेल्व में से सिक्स गया सिक्स सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री थर्टीन के टेबल में नहीं आता तो डिवाइड नहीं होगा नेक्स्ट करते हैं सेवनटीन से थ्री ट्वेंटी थ्री तो सेवनटीन वन सावेंटीन ट्वेल्व में से सेवन गया इज एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फिफ्ट फाइव टू में से वन गया वन एंड थ्री सेवनटीन नाइनजा देखें सेवनटीन नाइनजा इज वन फिफ्टी थ्री तो ये पता चल गया सेवनटीन इंटू नाइनटीन जा रहा है इज थ्री ट्वेंटी थ्री अब नाइनटीन प्राइम नंबर है तो अपने ही नंबर से चला गया तो टू नाइन जीरो सेवन कितना आ गया ये थ्री की पावर टू इंटू सेवनटीन इंटू नाइनटीन इज द आंसर लेट्स यू लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज वन थ्री नाइन वन फाइव वन थ्री नाइन वन फाइव इसको डिवाइड करेंगे नाइन वन फाइव पहले देखते हैं थ्री से हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फाइव प्लस वन इज़ सिक्स सिक्स प्लस नाइन इज फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री इज एटीन एंड नाइनटीन तो इसका मतलब ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा अब इसकी यूनिट डिजिट फाइव है तो फाइव से ज़रूर होगा ये डिवाइड तो फाइव टू ज़ा टेन थर्टी नाइन हो गया फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव फोर्टी वन हो गया फाइव एट ज़ा फोर्टी फिफ्टीन हो गया फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन अब देखते हैं कि ये थ्री से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि थ्री ऑलरेडी अगर डिवाइड करना होता तो यहीं डिवाइड हो जाता राइट तो इसका मतलब अब हम सेवन पे जाएंगे अब सेवन की डिविजिबिलिटी देखेंगे ये थ्री का को टू से मल्टीप्लाई किया टू सेवेंटी एट में से थ्री को जो टू से मल्टीप्लाई किया था सिक्स वो माइनस किया तो ये आ गया टू सेवेंटी टू अब ये देखते हैं सेवन से डिवाइड होता है कि नहीं होता है सेवन थ्री ज ट्वेंटी वन और ये बचा सिक्सटी टू ये डिवाइड नहीं हो सकता है अब नाइन के टेबल के लिए नाइन से डिविजिबिलिटी के लिए सबको ऐड करेंगे नाइन से डिवाइड होना चाहिए तो ये कितना आ रहा है एट प्लस थ्री इज इलेवन इलेवन प्लस सेवन इज एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन से डिवाइड नहीं होता है और ये टेन से भी डिविजिबल नहीं हो सकता इलेवन से देखते हैं इलेवन में ऑड प्लेसेज ऐड की इवन प्लेसेज ऐड की और आपस में माइनस किया जीरो आना चाहिए या इलेवन से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर तो सेवन प्लस थ्री इज टेन एट प्लस टू इज टेन तो टेन माइनस टेन इज जीरो तो दैट मीन्स ये इलेवन से डिवाइड होगा इलेवन टू ज ट्वेंटी टू फिफ्टी एट बचा क्योंकि ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी टू गया तो फाइव बचा फिफ्टी एट इलेवन फाइव ज फिफ्टी फाइव में से 55 गया तो थ्री बचा थ्री और 3 इज थर्टी थ्री इलेवन थ्री थर्टी थ्री आ गया अब फिर से देखते हैं ये इलेवन से जाता है कि नहीं जाता है हमने इसकी इवन प्लेस और ऑर्ड प्लेस ऐड की ऑर्ड प्लेस थी थ्री प्लस टू फाइव हो गई और फाइव में से इवन प्लेस फाइव गई तो जीरो आ गया तो दैट मीन्स इलेवन जाए से ही जाएगा इलेवन टू जा ट्वेंटी टू फिफ्टी फाइव में से ट्वेंटी टू गया थ्री तो इलेवन थ्री जटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री एक इवन नंबर प्राइम नंबर है तो हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो गया तो हम वन थ्री नाइन वन फाइव को क्या लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाइड बाई इलेवेन की पावर टू इंटू ट्वेंटी थ्री इज द आंसर